हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एंजॉय विद गार्डनिंग में। आज मैं आपको एक मिनी गार्डन अपना तैयार करने वाली हूं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना ये पॉट दिखाना चाहती हूं जो मैंने अपने घर पर बनाया है। ये पॉट मैंने रिवर सैंड और सीमेंट से बनाया है और ये बहुत ही मजबूत पॉट है। ये देखिए, ये मैंने अपने घर पे तैयार किया है इस पॉट को, और फिर मैंने इसको पेंट किया है और ये मैंने इसमें थोड़ी सी फिर डेकोरेशन की है। ये मैंने फ्रंट पे की है और ऐसे ही एक मैंने दूसरी साइड भी की है इसकी, ताकि ये दोनों साइड से एक जैसा दिखे। और ये बहुत ही मजबूत पॉट है। ये मैंने अपने बोनसाई प्लांट के लिए बनाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसमें टाइम लगेगा, मैं एक बोनसाई प्लांट तैयार कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसमें मिनी कैक्टस का एक गार्डन बना दूँ आपके लिए। तो चलिए पहले मैं इसको तैयार करती हूँ अपने गार्डन के लिए। ये मैंने इसमें ड्रेनेज होल भी बनाया है, तो पहले मैं उस पर ये स्टोन रखती हूँ। देखिए, अब मैं इसमें अपनी सॉइल डाल रही हूँ। पहले तो देखिए, इसमें मैंने अपनी सॉइल भर दी है। इसमें मैंने अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल और रिवर सैंड ली है, तो अब मैं इसमें अपना मिनी गार्डन बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ प्लांट अपने गार्डन से निकाले हैं, तो जिसमें मैंने एक ये पेंसिल कैक्टस लिया है, ये मैंने अपने गार्डन से निकाला है और ये मैंने कट किया है, तो मैं इसे बाय कटिंग लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पेंसिल कैक्टस है। ये मैंने मेलो कैक्टस लिया है, ये देखिए, और मैंने इसको भी इसकी जड़ के साथ निकाला है। ये देखिए, ये इसकी जड़ भी आ रही है इसमें, तो ये मैंने बाय रूट ले लिया है इसको पूरा, ताकि ये मेरा ग्रो करे। ये मेलो कैक्टस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कांटे होते हैं। ये भी मैंने अपने गार्डन से निकाला है। ये मेरा यूफोर्बिया मॉन्स्ट्रस है, तो इसको भी मैंने अपने गार्डन से लिया है। मैंने इसका वीडियो भी पहले डाला हुआ है, तो आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने ये अगेव डिस्मेंटेन लिया है, ये भी मैंने अपने गार्डन से निकाला है। ये भी मैंने बिल्कुल रूट के साथ निकाला है। ये देखिए, इसके मैंने दो प्लांट निकाले हैं। ये देखिए, तो मैं इसको लगाने वाली हूँ। ये भी एक प्लांट मैंने अपने गार्डन से निकाला है, इसको भी मैंने रूट के साथ निकाला है। देखिए इसमें कितनी रूट आ रही है। इसके भी मैंने दो प्लांट लिए हैं। ये देखिए, सारे मैंने रूट के साथ ही निकाले हैं। ये भी मैंने अपने गार्डन से लिया है, ये भी एक कैक्टस ही है। ये देखिए, इसको भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ। इसके भी दो प्लांट मैंने निकाले हैं। मैं देखती हूँ कैसे एडजस्ट होता है, फिर अगर एक ठीक लगेगा तो मैं इसका एक लगाऊंगी, अदरवाइज मैं दोनों लगा दूंगी। और ये भी एक कैक्टस है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे से कांटे हैं, और ये भी मैंने पूरा रूट के साथ लिया है। जब भी आप इन कांटों को टच करें तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो देखिए, सबसे पहले मैं इधर ये लगाती हूँ। पहले आप इसके लिए जगह बना लें अच्छे से, ताकि आपको लगाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं अपना ये कैक्टस लगाती हूँ। उसके बाद मैं ये मेलो कैक्टस के मैंने दो प्लांट निकाले हैं, मैं इसको लगाती हूँ। मैं इसके बगल से लगाती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे बढ़ते जाते हैं, तो मैं इसीलिए इनको पीछे लगा रही हूँ, ताकि ये मेरे स्ट्रेट ग्रो करें, तो पीछे की साइड में रहेंगे। और बाकी प्लांट को और कैक्टस को ये कवर ना करें, तो इसीलिए मैं इनको पीछे की साइड लगा रही हूँ। और इनको अच्छे से लगाने के बाद आप प्रेस कर दें। अब ये इसका दूसरा प्लांट, तो अभी मैं एक ही पेंसिल कैक्टस रहने देती हूँ इसमें, फिर आगे देखते हैं, जैसा होगा मैं एडजस्ट कर लूँगी। अब मैं ये डेस्मेटियाना लगाती हूँ इसका, इसके लेफ्ट साइड में लगाती हूँ मैं इसे। ये
लिए मैंने इसका एक प्लांट लगा दिया है, इसी के साथ में मैं इसका एक और लगा देती हूँ। इसके मैंने तीन प्लांट निकाले हैं तो मैं सोच रही हूँ तीसरा भी लगा ही देती हूँ इसी में। ये मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। तो मैंने इसके तीनों प्लांट लगा दिए हैं। रुको जा, तो ये लगाने के बाद अब मैं ये पेंसिल कैक्टस के साइड से इसे लगा देती हूँ अपना एक और प्लांट। ये मैं थोड़ा बाहर की साइड को लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फैल जाता है, तो अगर ये निकलेगा तो फिर बाद में देखते हैं जैसे भी ग्रो करेगा, तो इसीलिए मैं इसको साइड से लगा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने लगा दिए, तो अब मैंने अपने लगा दिए ये प्लांट कैक्टस। अब मैं ये वाले कैक्टस लगाने वाली हूँ। इसमें बहुत ही छोटे छोटे से कैक्टस हैं तो इनको अगर मैं हाथ से पकड़ूंगी तो ये चुभ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है और ये न्यूज़पेपर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और मैं इसकी मदद से इनको उठाऊंगी ताकि कांटे मुझे लगे ना। तो ये मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और मैं उसके बाद इस तरीके से इसको पकड़ के और इधर अपने यहाँ इसके साइड से लगा देती हूँ। ये भी बिल्कुल सीधे सीधे बढ़ता जाता है तो इसीलिए मैं इसको भी एक साइड से लगा रही हूँ। इसको बहुत सावधानी से लगाना है आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से, ताकि आपको कांटे ना लगे और इसके साइड से आपको मिट्टी लगा देनी है। तो ये देखिए ये मैंने लगा दिया अपना। अब तो अब ये लगाने के बाद मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे मैं अपना मेलो कैक्टस लगा देती हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे कांटे होते हैं तो इसको भी आपको सावधानी से उठाना है न्यूज़पेपर की हेल्प से। ये देखिए, और मैंने इसका भी एक वीडियो पहले बनाया हुआ है मेलो कैक्टस का, तो आप उसे भी देखिए। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको पता चले कि इसकी क्या क्या खासियत है और इसको आपको कैसे लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है। इसको भी आप हल्के से लगा के बस और प्रेस कर दीजिए। अब मेलो कैक्टस के बाद मैं अपनी यूफोर्बिया लगाती हूँ। यूफोर्बिया में बहुत ही स्मॉल कांटे होते हैं तो आपको इसे तो बहुत ही ध्यान से छूना है। देखिए इसमें कितने महीन कांटे हैं, अगर ये ज़रा सा भी एक भी आपको लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, तो इसे बहुत ही सावधानी से उठाएं। इनको मैं इधर आगे लगा देती हूँ, ये मेरे छोटे छोटे से कैक्टस हैं। ये देखिए पीछे से मैंने पूरा इसको ऐसे लिया है और इसको भी ऐसे करके लगा देती हूँ मैं आगे। तो ये मैंने यूफोर्बिया मॉन्स्टर्स लगा दिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो मैं इसको इसके मेलो कैक्टस के राउंड में लगा देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसके पास पास बढ़ेगा। तो मैं इसको मेलो कैक्टस के चारों ओर लगा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूर लगाइए इन प्लांट्स को ताकि इनको प्रॉपर जगह मिलती रहे। अब मैं इधर लगा देती हूँ ये पीछे इसके। पीछे मैं बड़े बड़े वाले लगा देती हूँ और आगे छोटे छोटे वाले लगा दूँगी। और मैं अपना एक और कैक्टस इधर साइड से लगा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली है। ये देखिए ये मैंने सारे कैक्टस में लगा दिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं
इस वाले प्लांट को हटा करके इसकी जगह थोड़ा बड़ा वाला प्लांट है मेरा, उसको लगा देती हूँ मैं। तो मैं इसे निकाल देती हूँ यहाँ से साइड से, और इसकी जगह पर मैं इसका एक बड़ा प्लांट है उसको लगा देती हूँ यहाँ पे। इसको मैं सेट कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सा बाहर की साइड लगा रही हूँ इसे भी मैं, ताकि वो मेरा बाहर बाहर की तरफ ही ग्रो करे। हाँ, तो ये मैंने उसको निकाल के अपना एक न्यू लगा दिया है इसमें। मैंने सारे, जब भी आप इस तरीके से कोई मिनी गार्डन बनाए तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको इस तरीके के प्लांट चूज़ करने हैं जिनको सेम सॉइल और सेम वाटरिंग चाहिए। तो मैंने सारे ऐसे कैक्टस चूज़ किए हैं जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे ही करें, नहीं तो आप एक प्लांट की केयर करने के चक्कर में दूसरे प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। तो हमेशा आपको एक जगह चूज़ करना है। और मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टोन भी प्रिपेयर किए हैं। ये स्टोन भी मैंने अपने घर पर ही प्रिपेयर किए हैं, तो इसमें मैंने कलर किया है और कुछ अलग अलग डिज़ाइन ट्राई किए हैं। तो मैं इन स्टोन से इनको डेकोरेट करूँगी। तो अब मैंने ये लगा दिया, तो फिर मैं पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि इसमें एयर पॉकेट ना रहे और इसकी जो सॉइल है वो सेट हो जाए। कर दिया तुमने 15। तो अब वाटर मैंने इसमें दे दिया है थोड़ा सा। अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ, इसके थोड़े थोड़े स्टोन अपने रख देती हूँ। तो मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने ये सारे स्टोन इसमें रख दिए हैं और इसको डेकोरेट कर दिया है। तो अगर आप तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ पहले ये मैंने किस तरीके से इसको डेकोरेट किया है और इसमें स्टोन लगाए हैं सारे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।